यहोशु अध्याय पांच। यहोशु अध्याय पांच। जब यर्दन की पश्चिम की ओर रहने वाले हेमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इसराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यर्दन का जल हटाकर सूखा रखा है, तब इसराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इसराइलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलडिया नाम टीले पर इसराइलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सबका तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का भी खतना न हुआ था, क्योंकि इसराइली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नाश न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। सो यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था उनका खतना यहोशू ने कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। सो इसराइली गिलगाल में डेरा डाले हुए रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह मना, और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे, और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन के बिहान को मान बंद हो गया और इसराइलियों को आगे फिर कभी मान न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश को जो उपज थी उसमें से खाई। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है वा हमारे बैरियों के ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया।